Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chaturvarnyam Maya Shrishtam. कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम् विद्यकर्तारमव्ययम्
किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघकर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है वही कृष्ण भावित होता है अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावना में कृष्ण के विभिन्न अर्थों तथा राम नृसिंह बनार आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर वर्ण प्रणाली से परे है उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे होता है चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। ओम ज्ञान जीवनादर्श ज्ञान दर्शनाकर चक्षुरुन्मीलनं तस्मिन् श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोक्षमिन्भावितमेति स्वयं रूपकदामि विलासि सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणमानं सत्यं साद्वैतं शारूपं पर्यन्तं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सर्वेन्द्रिया श्रीशाखान्विनांश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत वेदांत वासुदेव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रकृति के तीनों गुणों और उससे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ किंतु तुम यह जान लो कि भेजने पर भी अव्यय करता हूं। इस श्लोक में भगवान समाज की किस प्रकार से भगवान ने व्यवस्था की है अलग अलग समाज के कैसे विभाग किए हैं उन विभागों के बारे में इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर वर्णन आ रहा है चातुर वर्ण मया सृष्टा भगवान के द्वारा इस सृष्टि में चार वर्ण और चार आश्रम के रूप में ये समाज का इस भूति जगत में विभाग किया गया है। हर एक वस्तु भगवान से ही उत्पन्न है ना भगवान हर एक वस्तु के सृष्टा है हर एक वस्तु के कारण है सर्व कारण कार्य गोविंदम आदि पुरुषम सर्व कारण कारण सभी कार्यों के कारण उनको कहा गया। इसलिए श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में भगवान की स्तुति की गई है जन्मादस्यतः अन्वया ऋतुरक्षश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराः कि भगवान के द्वारा जन्मादस्यतः हर एक चीज की उत्पत्ति उन्हीं से हो रही है उन्हीं के द्वारा ये जगत पालित होता है और उन्हीं के द्वारा सहार होता है। भगवान ही इसको उत्पन्न करते हैं और फिर उसका पालन भी करते हैं और समय आने पर इस जगत का सहार भी करते हैं। तो जो जीवात्मा है इस जगत में वो भी भगवान का ही अंश है ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन एक क्षुद्र जो है सूक्ष्म भगवान के हैं अंश हैं जो भगवान से अलग हो गए हैं जैसे चिंगारी अग्नि से अलग हो जाती है इस प्रकार से इस भौतिक जगत में भगवान से अलग होकर इंद्रिय भोग की इच्छा कर रहे हैं। तो जो बद्ध जीवात्माएं हैं इस जगत में भगवान से अलग हैं कैसे आध्यात्मिक चेतना उनकी विकसित हो कैसे वो कृष्ण भावना भावित हो इसलिए इस जगत में उनके रहने के लिए भगवान ने ये व्यवस्था की है वर्णाश्रम धर्म की। जैसे वर्तमान में लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं लेकिन जो हिंदू शब्द है वास्तव में ये कहीं भी आप देखिए शास्त्रों में वर्णन नहीं इस प्रकार का शब्द आपको कहीं भी वेद शास्त्रों में नहीं मिलेगा। हिंदू शब्द वास्तव में मुसलमानों के द्वारा दिया गया शब्द है। जो सिंधु नदी है तो सिंधु नदी के इस पास रहने वाले लोग हैं तो मुसलमान क्या है सह को है उच्चारण करते हैं वो सह उच्चारण नहीं कर पाते इसलिए सिंधु के इस पार रहने वाले लोगों को उन्होंने हिंदू कहा। तो इसलिए हिंदुस्तान और हिंदू ये नाम उनके द्वारा दिया गया। तो लोग वर्तमान में अपनी पहचान मानते हैं कि हम हिंदू हैं इस प्रकार से लेकिन वास्तव में जो सभी का धर्म है वो क्या है वर्णाश्रम धर्म भगवान के द्वारा वर्णाश्रम धर्म की स्थापना हुई है। वर्णाश्रम धर्म मतलब चार वर्ण और चार आश्रम जो कि प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार होता है। इस प्रकृति के
तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जैसे जीवात्मा की 84 लाख प्रकार की योनियां है। क्यों 84 लाख प्रकार की योनियां है? कि जिस प्रकार से जैसे प्रकृति में आप देखिए तीन रंग है, लाल, पीला और नीला, इस प्रकार जो तीन रंगों के द्वारा इनको मिक्स करके आप बहुत सारे कलर बना सकते हैं, अलग अलग प्रकार के रंग जो बना सकते हैं, लेकिन मूलतः ये तीन प्रकार के रंग होते हैं, तो इनको एक दूसरे से अगर मिक्स करें मिलाए तो बहुत सारे रंग बन जाएंगे। तो ऐसे प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा, तीन गुणों को आप जो है तीन में तीन का गुणा करके बताओ, है ना, वो नौ में तीन, नौ से गुणा तो 81 होता है। इस प्रकार से 84 लाख प्रकार की योनियां है, क्योंकि तो इतनी जो है विविधताएं हैं जीव की, 84 लाख प्रकार की पहचान है ये प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार मिश्रित होकर। तो इसलिए इस जगत में 84 लाख प्रकार की योनियां होती है, ताकि जीव उनकी अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके, जो भी उसकी भोग इच्छाएं अलग अलग प्रकार की इच्छाओं के द्वारा अलग प्रकार का शरीर कर्मों के अनुसार उसको प्रदान किया जाता है। कारण गुण संघर्ष सद असद योनि, गुण और कर्म के अनुसार अच्छी बुरी अनेक प्रकार की जो है योनियां प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य जीवन की शुरुआत होती है वास्तव में वर्णाश्रम धर्म से। जो कोई ये वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करता है तो उससे मनुष्य जीवन की शुरुआत होती है। अगर कोई ये वर्णाश्रम धर्म को पालन नहीं कर रहा है तो इस धर्म से नीचे जो जैसे चार कर्म या चार आश्रम के बाहर जो लोग हैं उनको कहा जाता है पंचम वर्ग, है ना, द्वितीय क्लास। तो वो क्या है, चांडा, विलेज, है ना, यवन, इस प्रकार से। तो ये वर्तमान में जाति विशेष से कोई समझ सकता है, लेकिन विलेज या चंडाल ऐसे नहीं, कोई जाति विशेष है कोई। वास्तव में जो भी वेदों का वर्णाश्रम धर्म को अपनाने वाले लोग क्या है, वेदों शास्त्रों का पालन करते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन जीते। जो भी वेदों को नहीं अपना रहा है, शास्त्रों का अपने जीवन में पालन नहीं कर रहा है, जो नास्तिक है एक प्रकार से, ना, जो वेदों को नहीं मानता उनको हम नास्तिक कहते हैं। तो जैसे बौद्ध है धर्म तो उनको भी नास्तिक कहा गया है, क्योंकि वो भी वेदों को नहीं स्वीकार करते हैं, वेदों को नहीं मानते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के लोग जो कि वेदों को शास्त्रों को स्वीकार नहीं करते हैं वो वास्तव में ये चतुर वर्ग से बाहर है, उन्हें मिलेच, यवन, चंडाल इस प्रकार से कहा गया, क्योंकि ये शास्त्रों को वेदों को स्वीकार नहीं करते। तो इस श्रेणी में जो भी व्यक्ति आ रहे हैं उनको हम ये श्रेणी में मानेंगे, उनको मिलेच या यवन कहेंगे। ऐसा नहीं कि कोई जाति है विशेष कि ये जाति के लोग यवन है। वर्तमान में लोग जाति प्रथा के नाम से समझते हैं, जाति प्रथा उन्होंने चलाई है, लेकिन वैदिक संस्कृति में भगवान के द्वारा जो स्थापित है वो है वर्णाश्रम धर्म। तो समाज में कैसे पूरा समाज जो है सुचारू रूप से संचालित हो, सब अपने कार्य अच्छे से कर पाए, इसके लिए भगवान के द्वारा ये वर्णाश्रम की व्यवस्था की जाती है। और ये व्यवस्था होती है जन्म के आधार पर नहीं, गुण और कर्म के अनुसार, जिसके जैसे प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार उनके गुण है, कार्य है, तो उसके अनुसार उनको फिर चार वर्णों, चार आश्रमों में सम्मिलित किया जाता है। चार वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये उनके गुणों के अनुसार है ना, गुण और कर्म के अनुसार है, ना कि जन्म के आधार पर। कोई ब्राह्मण के कुल में जन्म लेकर भी उसके अंदर आवश्यक नहीं है कि ब्राह्मण के गुण है ना, कोई शूद्र हो सकता है, या कोई शूद्र के कुल में जन्म लेकर भी महान ब्राह्मण से भी बढ़कर हो सकता है, महान भगवान का भक्त हो सकता है। इसलिए भगवान भगवीता में कहते हैं कि स्त्री वेश्यास तथा शूद्रास, ये भी आंतरिक पराम गति है ना, कि कोई अगर वेश्य, स्त्री, शूद्र ये वर्ण के लोग भी हैं, जीवन चांडाल भी है। चांडाल मतलब जो कुत्ते का मांस खाने वाले होते हैं, उनको चांडाल कहा गया, जो चारों वर्ण से बाहर है, तो वो भी है। ऐसे लोग भी अगर भगवान की भक्ति में लगते हैं तो वो भी क्या है, महान स्तर को प्राप्त करते हैं, शुद्ध कहते हैं, वो निम्न योनि से शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि भगवान की भक्ति में संलग्न है। तो उससे जो निम्न कुल में उनका जन्म लेने का दोष है वो मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मुख्यतः वर्णाश्रम धर्म का जो उद्देश्य है उसका उद्देश्य क्या है, कि कैसे धीरे धीरे जीवात्मा का क्रमिक विकास हो। जैसे सत्युग जब होता है तो सत्युग में क्या है, चारों वर्णों की आवश्यकता नहीं होती,
क्योंकि सतयुग में सबकी चेतना जो है उच्च होती, कृष्ण भाव होती, इसलिए उस समय से एक वर्ग होता है परमहंस, जिसे हंस कहा जाता है। सतयुग में सिर्फ एक ही वर्ग है परमहंस, जिनकी पूर्ण चेतना भगवान में लीन है, इसलिए वहां पर उस समय ये चार वर्ण या चार आसन इस प्रकार से विभाजन नहीं होता। तो ये विभाजन प्रारंभ होता है त्रेता युग के आरंभ से, क्योंकि हम देखते हैं जैसे जैसे सतयुग से त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग आता है, कलयुग आता है, तो जो गुण है उनका क्या है विकास होता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है, तत्श्चारु दिनम धर्म सत्यम शोचम क्षमा दयम काले मलिना राजन सक्षतायु बलम स्मृति, कि कलयुग के प्रभाव से क्या जो अच्छे गुण है सत्यम शोचम क्षमा दया सत्य है, पवित्रता है, स्वच्छता है, क्षमा दया का गुण, ये सब धीरे धीरे क्या नष्ट होते हैं। और भी कलयुग में कलयुग के कारण जो गुण है उनका हास का वर्णन हुआ है, अल्पायु से प्राण अल्पायु से सब है कला रश्मिन युगे जना मंदा सुमंद मदरे मंद भाग्य ही पवित्रता है, लोग आयु कम है बुद्धि कम है, लोग आलसी हैं भगवान को समझने में आध्यात्मिक विषयों के बारे में जिज्ञासा करने में, तो ये सब निराश होता है। तो इसलिए ये कृमि विधि है कि ठीक है अभी भगवान को जानने में रुचि नहीं है कृष्ण भावना को उतनी, तो कैसे जो वर्णाश्रम प्रक्रिया है जिसका जो वर्ण है गुण है उसके अनुसार वो कर्तव्य का पालन करे, जिससे क्या होगा ये कर्तव्यों का पालन करने से भगवान 18वें अध्याय में वर्णन करते हैं स्वयं स्वयं कर्मणा संसिद्धिम लभते लगे, ये प्रक्रिया का पालन करने से धीरे 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 क्या होगा उनको संसिद्धि प्राप्त होगी। और वो संसिद्धि क्या है, संसिद्धि है वर्णाश्रम धर्म की जो नियमों को पालन करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है बताया गया है संसिद्धि हरितोषणम, भगवान को संतुष्ट करना, ये वास्तव में संस्कृति है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि भगवान की जो आराधना करने की जो पद्धति है वो क्या है वर्णाश्रमाचारता पुरुषेण परमात्मा विष्णु आराधते पंता नान्य तत्व सकार, कि भगवान को प्रसन्न करने की जो प्रक्रिया है वो है वर्णाश्रम धर्म को अपनाना, इससे हम विष्णु की जो है आराधना करते हैं, इसका उद्देश्य है भगवान विष्णु की आराधना करना। तो ये आराधना किस प्रकार से चारों वर्ण आपस में मिलकर सहयोग के एक दूसरे से जो है आपस में सहयोग कर कर पूरा समाज व्यवस्थित रूप से सुचारू रूप से प्रगति करता था बेची संस्कृति। तो चार वर्ण है और चार गुण है, तो क्या उनके कार्य है, जैसे चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, चार वर्ण एक और इसके अलावा पांच स्त्री एक अलग जो है चार वर्णों के अलावा एक अलग वर्ण है, तो इस प्रकार से पांच स्त्री को मिलाकर मान सकते हैं इसे मुख्यतः चार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण मतलब बुद्धिमान वर्ण बुद्धि, क्षत्रिय सैनिक वर्ग ना क्षत्रिय जो रक्षा करने वाले वर्ग है इस प्रकार से, फिर वैश्य व्यवसायिक वर्ग और शूद्र जो है श्रमिक वर्ग, तो इस प्रकार से ये चार विभिन्न वर्ग है। तो ये चार वर्णों के विभाजन होते हैं उनके गुण और कर्म के अनुसार, जिसके जो गुण है और जो प्रकृति के इन गुणों के अनुसार उनके कर्म है। जैसे ब्राह्मण के क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण के कर्तव्य है सत्यता सत्यम समय धर्म सोचम शांति राज्य ज्ञान विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वाज, सत्य का पालन करना सत्य बोलना है ना, दूसरों को इस मार्ग पर जो है चलाना सत्यता के मार्ग पर, फिर समय धर्म इंद्रियों का संयम मन का संयम अपने मन पर कंट्रोल होना, इंद्रियों पर इंद्रियों को बस में करना शांति सहनशीलता की भावना होना, आप जवाब सरलता ज्ञान विज्ञान ज्ञान और विज्ञान का व्यवहारिक अपने जीवन में पालन करना, आस्तिकम वेदों पर शास्त्रों पर पूर्ण रूप से श्रद्धा, आस्तिक मतलब उनकी आस्था होती है, दृढ़ क्या होती है शास्त्र के वचनों पर वेदों पर, तो ये ब्राह्मण के गुण है। तो ये जो है जिस व्यक्ति के अंदर गुण है उसको वास्तव में ब्राह्मण कहा गया, ऐसा नहीं कि एक जाति विशेष कोई जो है जन्म ले लिया तो उसको आप ब्राह्मण मानेंगे, वर्तमान में इस प्रकार से विभाजन है, क्योंकि जो वैदिक सभ्यता में जो वर्णाश्रम धर्म था वास्तव में उसका अभी क्या है अभी के समाज में वर्तमान में जो है उसका विकृत रूप है, इसलिए वर्तमान में ठीक ठीक पहचान कर पाना कि कौन ब्राह्मण है कौन क्षत्रिय है एक कठिन बात है, इसलिए वर्तमान में क्या है सब की स्थिति कलो शूद्र संभव है, कलयुग में सब क्या है शूद्र है वास्तव में, एक ही के डिग्री है
उससे श्रेष्ठ कोई भी नहीं। ये व्यास देव जी हैं भागवतम में बने करते हैं भागवतम, तो शक्ति एक ही कृपा की है, क्योंकि वो गुण जो है वास्तव में वो नहीं रहे। जो ब्राह्मण के जैसे गुण है सत्य बोलना है, इंद्रियों पर संयम, ये सब कार्य करना सीखे, ज्ञान विज्ञान शास्त्रों का अध्ययन करना, दूसरों को शास्त्रों का ज्ञान देना, और जो जितनी आवश्यकता उससे संतुष्ट रहना, जीवन यापन के लिए जितनी प्राप्त हो रही, और ब्रह्म के बारे में वास्तव में जिज्ञासा करना। ब्रह्म जाना ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है, जिसको जीवन का उद्देश्य पता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करना, ये मेरे मनुष्य जीवन का उद्देश्य। तो ये जिसको पता है वो ब्राह्मण। फिर दूसरा दूसरी वर्ग है क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब छत धातु से आता है, जो क्षति होने से रक्षा करते हैं, छत त्रायते इस प्रकार, तो क्षत्रिय क्या है, क्षति होने से रक्षा करते हैं। इसके सैनिक सैन्य वर्ग समाज में, जैसे शरीर का भी हमारा विभाजन इस प्रकार से कह सकते हैं ना, बुद्धि मस्तिष्क एक बार के शरीर में, फिर हाथ है ना, तो जैसे कोई अगर आक्रमण करता है तो हाथ जो है रक्षा करने का प्रयास करते हैं, तो इसके हाथों को एक प्रकार से जो भुजाएं उनको हम छतरी इस श्रेणी में, फिर पेड़ है एक बार को, फिर पेड़ है, तो ऐसे शरीर का भी जो है विभाजन है, तो इसी प्रकार से समाज में विभाजन, उनका उद्देश्य क्या है, शरीर का सब विभाजन इसका उद्देश्य क्या है, कि कैसे जो पेट की इच्छा है उसकी हम संतुष्टि करें ना, उसकी हम पूर्ति करें। आंख है, पेट है, मुंह है, मस्तिष्क है, सबका ये कार्य है कि पेट की इच्छाओं की पूर्ति करना। तो ऐसे ही समाज के चारों वर्ग का उद्देश्य आपस में मिलकर कार्य करना है ना, एक दूसरे से मिलजुल कर और भगवान को संतुष्ट करना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना, वो वास्तव में वैदिक संस्कृति में उद्देश्य होता। तो क्षत्रिय रक्षा करते थे, युद्ध चाक पलायन, युद्ध से कभी भी भागते नहीं थे, वो वास्तव में क्षत्रिय है ना, या तो विजय प्राप्त करते थे या फिर मृत्यु वो प्राप्त होते थे इस प्रकार से। फिर वैश्य पर तीसरा जो वर्ग है, कृषि जो वाणिज्यम, कृषि कर्म स्वभाव, व्यवसाय करना, अन्न का उत्पादन करना, क्योंकि पूरा समाज जो है अन्न पर आश्रित है, अन्न अगर नहीं होगा धरती से उपज करने वाला, तो कैसे लोग जो है जीवित रहेंगे, जनसंख्या जीवित रहने के लिए अनाज होती आवश्यक, तो ये वैश्य वर्ग का कार्यकर है, कृषि करना और गाय है इनकी रक्षा करना इस प्रकार से। फिर चौथा वर्ण शुद्ध वर्ण, ये जो है तीनों वर्णों की सेवा करना, तो ये अलग अलग इनके गुण के अनुसार, जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का सत्व गुण क्या होता है, इसलिए वो आध्यात्मिक जिज्ञासा का सबको ज्ञान देना, समाज का मार्गदर्शन करना, ये वास्तव में ब्राह्मण का कार्य है, कि कैसे तीनों वर्ण है वो सही दिशा में कार्य करें। इसलिए वैदिक संस्कृति में हम देखते हैं कि जो क्षत्रिय होते थे राजा है ना, वो समाज की रक्षा करते थे, शासन करते थे, लेकिन ब्राह्मणों के मार्गदर्शन पर, क्योंकि स्वयं किस प्रकार से कार्य करना है वो नहीं समझ पाते थे, इसलिए जो राजर्षि हैं ब्राह्मण हैं उनको मार्गदर्शन देते थे कि कैसे कार्य करना है ना। इसलिए हर एक राजा के जो राज्य में इस प्रकार से ब्राह्मण होते थे ना, कि विपरीत परिस्थिति में या समस्याओं के समय उनको सही सुझाव दे, सही मार्गदर्शन दे, क्योंकि मार्गदर्शन देना ये ब्राह्मण का कार्य, क्योंकि ब्राह्मण जो है सत्वगुण में स्थापित होते हैं। फिर क्षत्रिय है रजोगुण में, रजोगुण में क्षत्रिय होता है, वैश्य रजोगुण और तमोगुण मिश्रित उनके अंदर गुण होते हैं, और शूद्र जो है वो तमोगुण में, तो इस प्रकार से। तो ये चारों वर्णों के गुण के अनुसार है, ऐसा नहीं इसमें किसी वर्ण का जो है शोषण है या उसको कुछ निकृष्ट माना जा रहा है, ये चारों वर्ण अपने गुण और कर्म के अनुसार मिलकर भगवान को संतुष्ट करते थे, वो वास्तव में वैदिक संस्कृति में पद्धति थी। जैसे शरीर है तो उसका सबका अंगों का उद्देश्य शरीर के लिए पेट को संतुष्ट करना, वो अगर कार्य न करें ना, जैसे वर्तमान समाज में के लिए कि वैदिक संस्कृति में इस प्रकार से था, तो कुछ लोगों ने ना उसको नहीं समझ पाने के कारण पद्धति को ना उन्होंने सोचा कि ये तो गलत जो है, शूद्रों का इसमें तो शोषण हो रहा था ना, तो इसलिए भी कम्युनिस्ट आ गए ना, या जो राजतंत्र है तो राजतंत्र से लोकतंत्र आ गया ना, कि हम खुद जो है अपना नेता चुनेंगे,
एक ही परिवार में राजा क्यों होना चाहिए, अलग अलग विभाग होना चाहिए। तो बहुत सारे आज हैं इस प्रकार से, इसलिए हम देख रहे हैं कि लोग संतुष्ट नहीं है क्योंकि मिलजुल कर काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, अलग अलग स्ट्राइक लोग करते हैं, आंदोलन करते हैं ना, कभी बस स्ट्राइक हो रही है, कभी कुछ स्ट्राइक हो रही है इस प्रकार से। तो ये किस कारण है, क्योंकि संतुष्ट नहीं। वो सब समानता चाहते हैं कि हम सब जो है सबको समान स्तर प्राप्त हो, लेकिन समाज में भी ये विभाजन हमेशा रहेगा ना, सब समान नहीं हो सकते क्योंकि वो गुण उनकी जो है गुणों के अनुसार है, कार्यों के अनुसार है, तो कैसे भी सब जो है समान हो पाएंगे। लेकिन अगर जो भी हमें गुण प्राप्त हुए हैं, कार्य प्राप्त हुए हैं, उसके अनुसार अगर हम कार्य करें है ना, जो उद्देश्य है उसको समझ कर, तो पूरा समाज जो है निश्चित रूप से चल सकता है ना। जैसे मस्तिष्क कार्य है कि बुद्धि लगाना, कैसे जो है धन कमाना है ना, तो मस्तिष्क ये करेगा, बुद्धि लगाकर धन कमाएगा। फिर जीवा उसका कार्य है कि भोजन को जो है चबाना है ना, वो उसका कार्य है, तो चबाकर जो है पेट को देना। हाथ का कार्य है इकट्ठा करना या उठाना है ना, मुंह तक ले जाना इस प्रकार से, और पेड़ का चलकर जाना। लेकिन हाथ जो है हड़ताल कर दे कि मैं आप जो है कुछ उठाऊंगे नहीं, दांत हड़ताल कर दे कि आप मैं भोजन चबाऊंगे नहीं, देखता हूँ फिर पेट कैसे इसको ग्रहण कर पाए, तो क्या होगा, नुकसान किसका है इसमें है ना। वास्तव में नुकसान किसका होगा, कुछ समय बाद जो है हाथों को नुकसान होगा, वो शक्ति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि अगर पेट में भोजन नहीं जाएगा तो हाथ है पेड़ है मस्तिष्क के, कैसे उनको शक्ति प्राप्त रहेगी। तो सबका उद्देश्य जो है अलग अलग कार्य हो सकते हैं, पेड़ का अलग कार्य है उसके कार्यों के अनुसार, उनके अनुसार हाथ अपना कार्य कर रहे हैं, मस्तिष्क अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन सब कार्य कर रहे हैं पूरे शरीर के लिए कि कैसे, तो सबको अपने आप संतुष्टि प्राप्त होगी। तो ऐसे ही ये समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उन सब के अपने अपने कार्यों के अनुसार उद्देश्य क्या है, भगवान को संतुष्ट करना, संसिद्धि हरितोषण, कि कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए। तो ये वैदिक संस्कृति में क्रमिक विकास की प्रक्रिया होती थी, क्योंकि लोग सभी उच्च चेतना नहीं है कि सीधे जो है कृष्ण भावना के स्तर पर है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, सबके अधिकारने की इच्छाएं हैं, तो कैसे ठीक है वो इच्छाओं को भी आप जो है पालन कीजिए। इसलिए हमने इसके पूर्व के श्लोक में देखा था कि कैसे अनेक अनेक जिनकी इच्छाएं होती हैं, तो भगवान ने जो व्यवस्था की उनके लिए कि ठीक है आपकी इच्छा है तो आप देवताओं की पूजा है ना, यज्ञ कीजिए, देवताओं की आराधना कीजिए, तो उनके माध्यम से आपको फल प्राप्त होगा। तो ये सब पर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत, पर्णाश्रम विभाग के अंतर्गत है। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे उनकी जो है चेतना विकसित होती थी, और सब चारों वर्ण मिलकर ये कार्य करने से पूरा समाज भी शांति से जीवन यापन करता था, शांति से पूरा समाज अच्छे से सुचारू रूप से चलता था, और सबका उद्देश्य ठीक होता था कि भगवान को संतुष्ट करना, अपने अपने कार्य के अनुसार लेकिन संतुष्ट कर पाते थे ना। एक शूद्र को ब्राह्मण का कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी आर्टिफिशियल तरीके से, ब्राह्मण अपना कार्य करते थे जो उनके कर्तव्य थे, क्षत्रिय अपना कर्तव्य करते थे, वैश्य अपना कर्तव्य, इस प्रकार सब अपने अपने कार्यों में लगे होते थे। लेकिन वर्तमान में उसका विकृत रूप चल रहा है कि वर्तमान में सबको समान होना चाहिए, सबको समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन सब समान नहीं हो सकते ना। आज भी समाज में है तो ये चारों वर्ग भले विकृत रूप में है, लेकिन ये चार प्रकार के बुद्धिमान वर्ग, फिर जो है सैनिक वर्ग, सैन्य वर्ग, श्रमिक वर्ग है ना, या व्यवसायी वर्ग, ये आज भी है। आज भी हम समाज में विभाजन इस प्रकार से देख सकते हैं, ये चार वर्ग के लोग है ना आज भी हैं। जैसे रामायण में कथा आती है कि भगवान राम जब लंका समुद्र पार करके उनको जाना है, तो समुद्र पर पुल बनाकर है ना, सेतु बनाकर जाना है लंका, तो सेतु बनाने के लिए सब अलग अलग वानर जो है सहायता कर रहे हैं बहुत सारे, तो अपनी शक्ति के अनुसार क्या कर रहे हैं, वो बहुत सारे वानर तो बड़े बड़े पहाड़ पत्थर जो उठाकर और उसमें डाल रहे हैं, लेकिन वहीं पर जो है गिलहरी भी भगवान की सेवा में लग रही है ना, वो क्या कर रही है अपनी चोंच में छोटे से जो पत्थर के दाने हैं कुछ रेत जो है कर उठाकर उनको जो है डाल रही है। तो भगवान समान रूप से संतुष्ट हो रहे हैं, भगवान ऐसा नहीं कि जो बड़े बड़े पत्थर डाल रहे हैं तो
उनसे भगवान ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, क्या वो ले रही है, रे से कुछ कर डाल रही है, वो उस रूप से साझा कर रही है, तो भगवान उससे उतना संतुष्ट नहीं। भगवान राम ने कहा मैं समान रूप से संतुष्ट हूँ, एक जो गिलहरी की है ये भी अपनी यथाशक्ति मेरी सेवा के लिए प्रयास कर रही है, और तुम जो बड़े बड़े मानव हो अपनी शक्ति के अनुसार मेरी सेवा कर रहे हो। तो इसलिए इस प्रकार से ऐसा नहीं समझना चाहिए, गिलहरी ये सोचे कि अब मुझे भी इतना बड़ा जो है पत्थर उठाकर कार्य करना चाहिए तो मैं संतुष्ट कर पाऊंगी, है ना, यह समान होना चाहिए, तो वो सही नहीं है। जो उसकी क्षमता है तो उसके अनुसार वो संतुष्ट करने का प्रयास करे भगवान को, और हनुमान जी की क्षमता है तो उसके अनुसार भगवान को संतुष्ट करेंगे। पूरी लंका जो समुद्र को पार करते हैं तो ये कार्य हनुमान जी कर सकते हैं, लेकिन भगवान जो है समान रूप से प्रसन्न होंगे अगर क्षमता के अनुसार कार्य करते। तो इसी प्रकार से समाज में वर्णाश्रम धर्म में ये विभाजन था वैदिक संस्कृति कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो उनके गुण और कर्म के अनुसार वो भगवान को संतुष्ट करने का कार्य करते थे। उनकी ये इच्छा नहीं होती थी कि मैं शूद्र क्यों या मेरा संतोष हो रहा है, प्रसन्नता से अपना कार्य करते थे वो, है ना, जो उनके गुण के अनुसार प्राप्त था। तो इसलिए वर्तमान में जो है लोगों ने उसको पद्धति को नहीं समझ पाने के कारण वर्तमान समाज का जो दोष है वो क्या दोष है, जैसे वर्तमान में जाति प्रथा या अनेक अनेक वैदिक संस्कृति में हम देखते हैं जो शास्त्रों के अनुसार जो प्रथाएं चलती थी तो उसको विकृत, उसको गलत रूप में उसको समझने के कारण, जैसे वर्णाश्रम धर्म है इसको सही रूप से नहीं समझने के कारण ना लोगों ने बोला कि इसमें तो जो है शोषण हो रहा है ना, सबके साथ अत्याचार है पुत्रों के साथ, तो इसलिए वर्णाश्रम पद्धति को खत्म करना चाहिए ना, सबको समान अधिकार होना चाहिए, लेकिन वो वर्तमान में भी नहीं है, हम देख रहे हैं समान चीजें, क्योंकि समान कभी भी नहीं हो सकता इस पर, है ना, अलग अलग भेद है, ब्राह्मण क्षत्रिय स्त्री पुरुष बच्चे सब में भेद रहेगा, शक्ति के अनुसार भेद है, बुद्धि के अनुसार भेद है, तो समान स्तर कैसे हो सकता है, समान स्तर किसी भी अवस्था में नहीं हो सकता। भगवान की भक्ति अगर सम्मिल कर रहे हैं तो वास्तव में उस दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं कि सब एक समान है, क्योंकि सब जो है भगवान की भक्ति में संलग्न है, इसलिए भगवान सबसे जो है प्रसन्न होंगे, यथा योग्य कोई भी किसी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, अगर वो प्रयास कर रहा है भगवान को संतुष्ट करने का तो भगवान उससे समान रूप से प्रसन्न होंगे। लेकिन फिर भी ये समाज में रहने के लिए, जैसे आध्यात्मिक जगत है तो आध्यात्मिक जगत में वर्णाश्रम धर्म की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सब भगवान के भक्त हैं, भगवान की सेवा में संलग्न है, तो इसलिए वहां पर कोई वर्ण नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, ऐसा नहीं कि वहां पर भी ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इस प्रकार से भगवान के धाम में आध्यात्मिक जगत में ये वर्ण का विभाजन नहीं, वर्ण का विभाजन इसलिए भौतिक जगत में, क्योंकि भौतिक जगत में लोगों की भौतिक इच्छा है ना, माया के द्वारा यहाँ पर हम जो तीन गुणों से प्रभावित होते हैं, उनसे आकर्षित होते हैं, तो इसलिए ये बद्ध जीवन से कैसे हम मुक्त हो, धीरे धीरे प्रगति करें, उसके लिए वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हमें कार्य करना आवश्यक है। इसलिए भागवत में बताया तावत कर्माणि कुरु न निर्विदेत यावदेव मत कथा श्रद्धातो वा श्रद्धा यावत जायते, कि जब तक कोई व्यक्ति भगवान की कथा के प्रति रुचि जागृत नहीं कर लेता है ना, पूर्ण रूप से उसका चिंतन हर समय 24 घंटे भगवान के लिए जागृत नहीं हो जाता, तब तक जो वर्णाश्रम धर्म के नियम है विधान है उसको पालन करना आवश्यक है। अगर वो पालन नहीं करेगा है ना, जो कर्तव्य है स्त्री के अपने अलग कर्तव्य है, पुरुष के अलग कर्तव्य है, तो ये सब विभाजन आवश्यक है, अगर वो पालन नहीं करेगा तो फिर समाज में क्या होगा, समाज में पूरा छिन्नभिन्न हो जाएगा, एक उत्पात हो जाएगा, जैसे कि आज हम समाज में देख रहे हैं सब जो है समान स्तर पर आना चाहते हैं, भेद क्यों, सबको जो समान होना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, किसी के साथ भी अत्याचार क्यों करना है, किसी के साथ भी अन्याय क्यों होना है, बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक भी आए ना जिन्होंने शास्त्रों को नहीं समझने के कारण गलत जो है प्रथा की, पहले तो जो है छोटी छोटी उम्र में विवाह के रखकर दिया जाता था तो वो गलत है, सबको अधिकार देना चाहिए स्वतंत्र रूप से शिक्षा अर्जित करने का है ना, या उनको अपना जीवन जीने का, इतनी जल्दी क्यों जो है कम उम्र स्त्रियों का विवाह करना है, या फिर जैसे वैदिक संस्कृति में प्रथा होती थी जो स्त्रियां हैं जिनका पति अगर मर जाता था तो वो स्त्रियां भी क्या है अपनी स्वेच्छा से पति के साथ चिता में जल जाती थी,
सती प्रथा जिसको कहा जाता है, तो वो स्वेच्छा से होता है ना, क्योंकि जो स्त्री है वास्तव में है ना, जो पति की पूर्ण समागत है, जब पति नहीं रहा तो मेरी संस्कृति में हम देखते हैं कि इतनी जो है सती बता स्त्री होती थी कि वो पति बिना रहना नहीं चाहे, इसलिए वो स्वेच्छा से जो है सती होती है। लेकिन बाद में कुछ उसका विकृत रूप हुआ है, ठीक है, उसको हम स्वीकार करते हैं कि समाज में कुछ विकृति हमेशा हर समय रहेगी कुछ ना कुछ, है ना। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि हम जो है वो प्रथा है या नियम है उसी को हटा दें। आधुनिक समाज इस प्रकार से कि कुछ उसमें गलती हुई इसलिए ये नियम को हटा दिया जाता है, जैसे हाथ में रोग हुआ तो क्या कहते चलो हाथ में काट दो, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। अगर कुछ रोग हुआ तो उसको रोग को उपचार को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो है हाथ को ही काट दे। तो वर्तमान में सभ्यता जो है, आज जो समाज है, जो वैज्ञानिकों के द्वारा तथाकथित नेताओं के द्वारा जो चल रहा है, तो इस प्रकार से उनका उद्देश्य कि ये प्रथा ठीक है इसमें ऐसा गलत हुआ इसलिए इसको ही खत्म कर दिया जाए, सबको समान अधिकार हो, ये प्रथा चालू कर, तो वो हुआ गलत उसमें, लेकिन जो प्रथा सही थी इच्छाएं स्वेच्छा से स्त्रियां जो है सती होती थी, बाद में कुछ स्त्रियों को कुछ नहीं होना चाहती थी तो उनको जबरदस्ती जो है चिता में जलाने का प्रयास किया, तो वो गलत हुआ है ना, तो उसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ठीक करने का प्रयास नहीं करके तो ये प्रथा जो है वेदों में सब कुछ जो है निकला था, तो वो गलत नहीं है ना, सती प्रथा गलत नहीं है। जल्दी उम्र में स्त्रियों का विवाह करना वो गलत नहीं, क्योंकि वो संरक्षण के लिए आवश्यक है उनके, अगर जल्दी अवस्था में विवाह नहीं होगा तो फिर आवश्यक है कि स्त्री जो है व्यभिचार नहीं हो सकती है ना, अनेकानेक पुरुषों से गलत विकल्प रूप में लिया है। तो इसलिए भगवान के जो धाम है वास्तव में वहां पर वर्णाश्रम धर्म की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब लोग भगवान की भक्ति में भगवान की जो सेवा में है संलग्न है, सबका एक उद्देश्य कैसे भगवान को संतुष्ट करना है, कृष्ण को संतुष्ट करना है, तो इसलिए सब उस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। और स्वयं की वहां पर कोई निवृत्ति की इच्छा नहीं, वहां पर स्त्री भी है पुरुष भी है भगवान के सामने है ना, पेड़ पौधे सब दूसरी योनियां भी हैं, लेकिन सब क्या कर रहे हैं भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं ना। इस भौतिक जगत में जैसे एक दूसरे से आकर्षण होता है, इस प्रकार से भगवान के धाम में केवल जो कृष्ण है ना, जिसको सर्वाकर्षक कहा है, तो भगवान से एकमात्र आकर्षित होते हैं, सब जो है उनसे आकर्षित है, इसके अलावा और किसी से भी आकर्षित नहीं होते। तो इसलिए वहां पर जो है भगवान के धाम में इस भौतिक जो है वर्णाश्रम उसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो वर्णाश्रम धर्म है क्या है भौतिक है, ये मनुष्य जीवन में इस जगत में कैसे हम जीवन जिए है ना, और जीवन जीकर इस वर्णाश्रम के अनुसार अपने कर्तव्यों को पालन करके भगवान को संतुष्ट करें, इस जगत से मुक्त हो, तो वो वास्तव में ये वर्णाश्रम धर्म की प्रोसेस इसलिए आज ही आवश्यक है ना, वर्तमान समाज में पूर्ण रूप से स्थापित नहीं है वर्णाश्रम, फिर भी आवश्यकता है इसकी, क्योंकि भगवान की भक्ति के लिए सहयोग एक प्रकार से वर्णाश्रम धर्म क्या है हमें सहयोग करता है भगवान को समझने के लिए, भगवान की तरफ बढ़ने के लिए। जब सब अपने गुण के अनुसार पूरा अच्छे से कार्य कर रहे हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो उससे क्या है सबको आसानी एक सरलता होती है, सरलता से कार्य कर पाते हैं और आराम से इजीली जो है सरलता से भगवान की भक्ति में संलग्न हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में इसके अनुसार कोई कार्य नहीं कर रहा, तो इसलिए हम देख रहे हैं कि समस्याएं हैं ना, जगत में अशांति है, अनेकानेक लोगों की इच्छाएं हैं, कहीं भी पूरे समाज में संतुष्टि नहीं है, लड़ाई झगड़े कलह इस प्रकार से एक देश दूसरे देशों के बीच है ना अशांत वातावरण, तो ये सब चीजें हो रही है, क्योंकि सामंजस्य बिठा कर वे कार्य करना नहीं चाहते, उद्देश्य भगवान को भूल गए कि उद्देश्य मनुष्य जीवन का हमारा जो है भगवान को संतुष्ट करना है। इसलिए वर्तमान में जो पद्धति है वो क्या पद्धति है, ये वर्णाश्रम पद्धति के द्वारा चूंकि पूरी तरह नष्ट हो चुकी है ना, वर्तमान में जो वर्णाश्रम हो गया आसुरी वर्णाश्रम है, जो असुरों के द्वारा चलाया जा रहा है वो वर्णाश्रम अभी चल रहा है, जिससे आज के समाज में जो चल रहा है उसे आसुरी वर्णाश्रम कहा गया है। वास्तव में जो वेदी संस्कृति में जो वर्णाश्रम होता था गुण और कर्म के अनुसार, वो वास्तव में वर्णाश्रम नहीं रहा। इसलिए वर्तमान में एकमात्र जो पद्धति है कि कैसे जो भी हमारी स्थिति है ठीक है,
है ना, अभी कलयुग में सब जो है शूद्र के स्तर पर है, तो शूद्र सब होगा, तो कैसे उससे जो है निकले, उससे उच्च स्तर पर आए। इसलिए भगवान भगवत धाम कथन करते माम से योग विचारे भक्ति योगे नस्लित से सगुणान संतेनान ब्रह्म हुआ है। एकमात्र कोई अगर मेरी भक्ति में संलग्न होता है तो उससे क्या है, तीनों गुणों से मुक्त हो सकता है। तो इसलिए कलयुग में जो प्रोसेस है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही व्यक्ति ब्रह्म करो, नास्ते 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 व्यक्ति रंजना, भगवान की भक्ति के अलावा इस युग में और कोई भी उपाय नहीं। एकमात्र जो है केवल भगवान की भक्ति, और भक्ति कैसे होती है, हरिनाम के द्वारा। हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान का नाम जो है ग्रहण करने से सेवन मुखे की जीवादो स्वयं स्फुट है। जब जीवा के द्वारा भगवान का नाम ग्रहण करने से हम उनकी सेवा में लगते हैं तो उसके माध्यम से भगवान संतुष्ट होते हैं, भगवान की भक्ति में हम संलग्न हो सकते हैं। इसलिए जो क्रमिक विकास है, वर्णाश्रम की पद्धति है, वो वर्णाश्रम धर्म में वर्तमान में अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं है। इसलिए पूरे समाज के लिए, सब लोगों के लिए प्रगति कर पाना, कृष्ण भावना और चेतना में आ पाना बहुत कठिन काम है। इसलिए भगवान स्वयं आते हैं चेतन महाप्रभु के रूप में, और भगवान ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो हरिनाम संकीर्तन की विधि है इस कलयुग में, कलयुग में एकमात्र कलो संकीर्त केशव, इस वर्तमान कलयुग में जिसमें कोई वर्ण आश्रम पूरी तरह से स्थापित नहीं है, कोई अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए एकमात्र जो है ये भगवान की भक्ति में सेवा, ये वास्तव में पद्धति है। इसको ग्रहण करने से कोई किस भी स्तर पर हो, है ना, यमन हो चंदा हो, वो भी वास्तव में महान एक वैष्णव के स्तर पर, ये चारों वर्णों से ऊपर के स्तर को प्राप्त हो सकते हैं। उसके उदाहरण से हम देखते हैं कि शिल्पपाद जब कृष्ण भक्ति को लेकर गए विदेशों में, तो जो वास्तव में इन चारों वर्ण से नीचे के लोग हैं, मिलेच यवन चंडाल, जिनके शास्त्रों में कोई सुविधा नहीं है, वेदों को स्वीकार नहीं करते, ऐसे लोग भी महान जो है कृष्णों के स्तर को प्राप्त हो गए। तो ये इसका प्रमाण वास्तव में कि भक्ति जो है कितनी भगवान की जो है शुद्ध भक्ति में सेवा प्रभावशाली है। कोई अगर भक्ति में लगता है तो उसके कितने भी पाप क्यों ना हो, किसी प्रकार के अकुल क्यों ना हो, सारे जो है भगवान की भक्ति में लगने से नष्ट हो जाते हैं और महान स्तर को प्राप्त हो जाता है। फिर भी वर्तमान जगत में, क्योंकि इस कलयुग में सर्व रूप से हरिनाम के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, फिर भी आवश्यकता है पूरे समाज के लिए कि कैसे जो है सारा समाज भगवान की भक्ति को प्राप्त हो ना, उनको समझे। इसलिए वर्तमान समाज की आवश्यकता है वर्णाश्रम धर्म के लोगों को पालन करने की, क्योंकि जीवन जीने के लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य तो करना ही है। नहीं कश्चित क्षण भी जातु तिष्ठत कर, कोई भी व्यक्ति क्या है एक क्षण भी बिना कार्य के नहीं रह सकता, तो हर एक व्यक्ति के लिए कार्य करना आवश्यक है अपने जीवी को पालन के लिए। मनुष्य जो देह हमें प्राप्त हुआ है, तो जब तक ये देह में आत्मा बद्ध है ना, तो हमें कार्य अपने जगत में करना आवश्यक है। तो इसलिए कैसे हम भगवान को संतुष्ट कर पाए, तो इसलिए वर्तमान में भी आवश्यकता है कि ये चार वर्ण स्थापित हों, है ना, और चार आश्रम उसके अनुसार लोग कार्य करें जिससे कि भगवान को संतुष्ट कर पाए, क्योंकि एक आसान होगा ना, इसके अनुसार अगर कोई जिसके जैसे गुण है उसके अनुसार वो कार्य कर रहा है ना, भगवान को जानने की जिज्ञासा कर रहा है, तो चार वर्ण और चार आश्रम है जैसे ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ ना संन्यास, तो ये चार आश्रमों के अनुसार व्यक्ति जो भी जिस आश्रम है में है उसके आश्रम के नियमों का पालन करके और फिर भगवान को संतुष्ट करना, या अपने वर्णों के नियमों का पालन करके भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करना। तो इसलिए वर्तमान में भी पूरा विस्तृत रूप से है ना भगवान की भक्ति को कितने लोग जो है डायरेक्ट हरिनाम जो भक्ति उसको ग्रहण कर पाते हैं लोग ना, वर्तमान में भी बहुत कम लोग जो है उसको ग्रहण कर रहे हैं और उसको समझ पाते हैं कि ये प्रक्रिया हमें जानना है। लेकिन सारे समाज के हर एक जीवात्मा को हमें जो है भगवान की भक्ति देनी है ना, उसको कृष्ण भावना भावित करना है। तो इसलिए वर्तमान में भी विस्तृत रूप से समाज जो है वैदिक संस्कृति भगवान की तरफ लौट सकता है, उसके लिए
वर्तमान समाज में जो कि अभी वर्णाश्रम धर्म पूरी तरह नष्ट हो चुका है उसको दोबारा से स्थापित करने की आवश्यकता है। इसलिए श्री प्रपात ने कहा कि मेरा जो है 50% कार्य से पूरा हुआ है। श्री प्रपात ने पूरे जो है संसार में ये कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति को प्रचार किया और अनेक लोगों ने जिसने फिल्म किया, फिल्म प्रपात ने कहा कि मेरा 50% कार्य अभी बाकी है। और 50% कार्य क्या है? ये वर्णाश्रम धर्म की पुनः स्थापना जो कि वर्तमान संसार में विलुप्त हो चुका है, क्योंकि सब लोग उस स्तर पर नहीं है कि वर्तमान में भी भगवान की जो शुद्ध भक्ति है उसको सीधे ग्रहण कर पाए, उसको समझ पाए। इसलिए कैसे हर एक व्यक्ति की धीरे धीरे प्रगति हो, तो इसलिए वर्तमान में ये वर्णाश्रम धर्म की आवश्यकता है कि लोग अपने गुण और कार्यों के अनुसार कार्य करें, है ना, और इसके अनुसार भी जीवन जिए। लेकिन वर्तमान समाज पूरा वैज्ञानिकों के द्वारा और इस प्रकार जो आज के नेता हैं उनके द्वारा चलाया जा रहा है, उनके द्वारा पूरा संसार दिशा दीन है कि सबको समान होना चाहिए या समान अधिकार होना चाहिए, या तो सबकी एक इच्छा व्यक्ति कि जैसे भी हो, जो भी उपाय हो, किसी भी प्रकार से बस जीवन हमें मिला है तो इंद्रिय संतुष्टि करना है, जितना जो है वो कम किया जाए ना, क्योंकि जीवन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद तो फिर कौन आता है, कौन जाता है, किसने क्या देखा है ना, स्वर्ग नरक ये नहीं है, इसलिए कोई श्रद्धा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, लोगों को पूरा तरह से एक प्रकार से खत्म हो गए हैं समाज में वर्तमान हम देख रहे हैं। तो इसलिए दोबारा से ये आवश्यकता है इसको स्थापित करने की कि लोग जो है इसको समझे बना सक, इसलिए प्रयास जो है किया जा रहा है। श्री प्रपात ने जो इच्छा की थी उनका 50% कार्य, तो उसको पूर्ण करने के लिए उनके जो है शिष्यों के माध्यम से, उनके अनुयायियों के माध्यम से धीरे धीरे कैसे जो है वर्णाश्रम धर्म है स्थापित हो, क्योंकि बिना इसके ना वर्णाश्रम धर्म वर्ण और कार्यों के अनुसार कार्य किए बिना पूरा समाज के सब लोग, हर एक वर्ण के लोग, हर एक वर्ग के लोग जो है भगवान की भक्ति को समझ पाना, उस स्तर को प्राप्त कर पाना, संसिद्धि हरितोषणम भगवान को संतुष्ट कर पाना बहुत कठिन बात है, क्योंकि डायरेक्ट सीधी जो प्रक्रिया है भक्ति उसको बहुत कम लोग ग्रहण कर पाएंगे, बहुत कम लोग जो है समझ पाएंगे। इसलिए पूरे समाज को ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को भगवान की तरफ लाने के लिए, भक्ति लाने के लिए ये प्रक्रिया की आज भी जो है आवश्यकता है इस वर्णाश्रम, लेकिन वो भक्ति के संदर्भ में, क्योंकि अगर चारों वर्ण और सब नियमों का अगर पालन भी करना है, मान लीजिए कोई पूरा अच्छे से ये सब का पालन कर रहा है लेकिन उद्देश्य अगर नहीं है भक्ति भगवान को संतुष्ट करना, तो फिर वो क्या हो जाएगा, श्रम मिलेगी केवल। भागवतम में वर्णन किया है कि अगर कोई कितने अच्छे से ब्राह्मण जो है अपने ब्राह्मण के गुरुओं का पालन कर रहा है, कर्तव्य का पालन कर रहा है, क्षत्रिय अपने क्षत्रिय कर्तव्यों का पालन कर रहा है ना, वैश्य के कर्तव्यों का पालन कर रहा है, शूद्र है, स्त्री है, वर्ग है, सब अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य नहीं है कि ये कर्तव्य पालन कर मुझे जो है भगवान को संतुष्ट करना है, ये कर्तव्य इसलिए पालन करना है इसके अनुसार जीवन जीना है कि उद्देश्य है कृष्ण को केंद्र में रखकर उनको संतुष्ट करना, तो वो अगर कार्य नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, श्रम एबिलिटी बना होगा, सिर्फ वर्णाश्रम धर्म को पालन करने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि वो तो भौतिक है, लेकिन एक संयोग है भगवान को समझने के लिए, इसको पालन करने से हमें जो है इजी होता है, भगवान को जानने में सहायता मिलती है, धीरे से शीघ्रता से हम जो है प्रगति करेंगे, लेकिन अगर उद्देश्य नहीं है भगवान को संतुष्ट करना तो फिर वो सिर्फ कोरा जो है श्रम होगा, ये सब वर्ण और आश्रम के अनुसार जीवन जीना पालन करना उससे कोई भी लाभ नहीं होगा। इसलिए मुख्य केंद्र क्या है, जो है वर्तमान में कृष्ण भक्ति करना, तो कृष्ण भक्ति के संदर्भ में फिर जो है ये सब नियमों का जितना आवश्यक है मुख्य उद्देश्य कृष्ण की संतुष्टि के लिए, भगवान को हम कैसे संतुष्ट कर पाए या भगवान की भक्ति के लिए जो अनुकूल है, है ना, तो जो अनुकूल चीजें हैं इसलिए हमें वर्णाश्रम धर्म के नियमों को स्वीकार करना चाहिए वर्तमान अवस्था में भी, ताकि अनुकूलता से हम भगवान की भक्ति में संलग्न हो पाए, सहायता हो हमें भगवान की तरफ भक्ति में बढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत कठिन है वर्तमान समाज में जो है एक जीवन जीने के लिए आदमी को कितना जो है संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, है ना, हमको जो है यहाँ पर अपने जीवन को टिकाए रखने के लिए
वर्तमान समाज में बहुत कठिन जो है संघर्ष है, लेकिन वर्णाश्रम धर्म में इस प्रकार से नहीं था। तो जीविका आसानी से सरलता से सबको अपनी जो है जीविका प्राप्त हो चुकी हर एक वर्ग के व्यक्ति को, लेकिन वर्तमान में 12-15 घंटे काम करना पड़ता है एक सिर्फ जीविका परिवार के पालन पोषण के लिए, इतना कठिन कार्य है। और फिर 15 घंटे जॉब करने के लिए बड़े बड़े शहरों में और ऑफिस एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बहुत सारा समय देना पड़ता है, 2-2 घंटे जो है ड्राइव करके ऑफिस जाना है फिर आना है, तो ऐसे 18-20 घंटे तो काम करने में, और फिर थोड़ा समय आराम बस, बाकी तो कुछ है नहीं। इसे लोग बोलते हैं तो समय नहीं है हमारे पास वर्तमान समाज में। तो ये समाज पूरा इस प्रकार से स्थिति है कलयुग में कि लोग सिर्फ जीने के लिए जो है ना, 2 रोटी के लिए जो है उनको सिर्फ इतनी मेहनत करनी पड़ती है, एक गधे के जैसा जो है उनको कार्य करना पड़ता है। लेकिन वैदिक संस्कृति में बहुत सरलता से कुछ 6-7 घंटे बस कार्य करके जो है, कृपाल ने कहा कि 8 घंटे कार्य करना जो है पर्याप्त है। 8 घंटे अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उससे जो भी उसकी जीविका के लिए चाहिए परिवार के पालन पोषण के लिए उसको प्राप्त हो सकता है, और बाकी समय जो है कैसे हम अपनी चेतना को जो है विकसित करें भगवान को समझने के लिए जानने के लिए जिज्ञासा करें वो उस प्रकार से समय। तो वो वर्णाश्रम धर्म में एक प्रकार से सहायता होती थी, सहयोग था जब इस प्रकार से कार्य करते थे सब लोग, 4 वर्ग और 4 आश्रम के अनुसार मिलजुल कर जब कार्य करते थे तो वो सहायता होती थी। लेकिन वर्तमान पूरा कलयुग में विकृत है इसलिए बहुत कठिन है, इसलिए जो भी स्थिति है तो भगवान वर्तमान में जो है हमें, हम जिस भी स्थिति में है उस स्थिति में भगवान की भक्ति को जो शुद्ध है, भक्ति है, सेवा है, हरिनाम संकीर्तन की जो विधि है उसको हमें ग्रहण करना चाहिए और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए, और जितने फिर आवश्यक हो है ना, कैसे हम जो है ठीक है वर्तमान स्थिति में अभी फंसे हुए हैं कलयुग में, लेकिन हमें उसमें ऐसे फंसे नहीं रहना, उससे निकलने का प्रयास करना है कि कैसे हम हमारी स्थिति को ठीक कर पाए। तो इसलिए धीरे धीरे जो है हरे कृष्ण महामंत्र भगवान की भक्ति में संलग्न होकर और प्रयास करना चाहिए कि कैसे हमारे जीवन में हम वर्णाश्रम को अपना पाए और इसके अनुसार आप ध्यान कार्य करें, जिससे बहुत सरल बहुत जो है आसान हो जाएगा भक्ति करना, भगवान को संतुष्ट करना एक प्रकार से बहुत आसान होगा। तो इसलिए भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि ये जो 4 वर्ग और 4 आश्रम है ये क्या है, मेरे द्वारा ही स्थापित है, माया सिस्टम मेरे द्वारा जो है इनकी रचना की गई, जिससे पूरा समाज अच्छे से इन कार्यों को करके और मुझको संतुष्ट कर पाए, मुझे संतुष्ट कर पाए। तो ये वास्तव में उद्देश्य है वर्णाश्रम धर्म का। तो इसलिए सही दृष्टिकोण से उसको हमें समझना चाहिए, उसका गलत विकृत रूप जो कि आज समाज में चल रहा है दोष रूप में हमें जो शास्त्रों के निर्देश है गलत तथाकथित व्याख्याकारों की व्याख्याओं के द्वारा हमें समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और भगवान वास्तव में जो है तो वो 4 वर्ग और 4 आश्रमों से परे है, वास्तव में जीवात्मा भी क्या है वो भी ये वर्ग और आश्रम से परे है। इस भौतिक जगत में जब तक हम बद्ध हैं तब तक हमें ये वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार करने की आवश्यकता, मांग करने की आवश्यकता है, लेकिन जब भगवान की भक्ति करके हम मुक्त हो जाएंगे तो उसके बाद जो है फिर यह आवश्यकता नहीं है पालन करने की, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म सिर्फ भौतिक जगत के लिए, इसलिए भगवान क्या है इससे परे है, भगवान वर्णाश्रम धर्म के नियमों का उनके लिए पालन करना आवश्यक नहीं है। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान को भी ये नियम जो है पालन करना चाहिए इस जगत के, भगवान के लिए वो आवश्यकता नहीं। इसलिए भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं कि तमाम कर्मानी लिप्यन्ति नमे कर्म फले स्पृह इति मां योगी जानाति कर्म भिन्न सर्वते, कि मैं क्या हूं नमाम कर्मानी लिप्यन्ति, मैं किसी भी कर्म में जो है लिप्त नहीं होता हूँ, या नमे कर्म फले स्पृह कोई भी कर्म जो है मुझे स्पर्श नहीं कर पाती, मुझे प्रभावित नहीं कर पाती। तो ये वास्तव में जो ज्ञान है तत्व है, इस तत्व को जो समझता है इति मां जो अभी जानाती कर्म भिन्न सर बदलते, वो व्यक्ति भी क्या है इस जगत के जो प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार जो कार्य हो रहे कर्म हो रहे उसमें वो नहीं फंसता है ना, इस जगत में रहते हुए भी ना कार्य करते हुए भी या जगत के कर्मों से बंधनों से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो इसलिए भगवान को तत्पता है ये भी हमें समझ होनी चाहिए भक्ति में कि भगवान इस वर्णाश्रम प्रणाली से बाहर है परे हैं,
ना, उनको आवश्यक नहीं है ये सब नियमों को पालन करने की, लेकिन फिर भी भगवान यहाँ पर स्थापना करने के लिए, सिखाने के लिए भगवान आते हैं, भगवान जो है गुरु बनाते हैं, है ना, शिक्षा ग्रहण करते हैं गुरु के बना, भगवान जो है विवाह करते हैं, तो गृहस्थ जीवन के भी नियमों का पालन करते हैं। वास्तव में भगवान को आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान भी नित्य निमित्त रूप से जो है जगना, आराधना करना, हम देखते हैं भगवान कृष्ण जब लीला कर रहे हैं तो भगवान निमित्त रूप से जो है उन्होंने सिखाया, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान आराधना करते थे, पूजा करते थे इस प्रकार से। तो वो सब दूसरों को सिखाने के लिए, हम जैसे बद्ध जीवों को उन्होंने सब गृहस्थ जीवन के या एक पुत्र के नियमों का पालन किया, एक पिता के नियमों का पालन किया, है ना, एक पति के नियमों का पालन किया इस प्रकार से। लेकिन भगवान किसी भी प्रकार से चार वर्ण, इसलिए चेतन महाप्रभु कहते हैं कि ना हम वर्णी, ना हम वेश, ना मैं ये वर्ण का व्यक्ति हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं वेश हूँ, ना तुम्हें क्या हूँ, गोपिर मृत्यु पद कमलयो दास दासन होता। एकमात्र मेरी पहचान क्या है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के दासों का दासों का दासों का दास, इस प्रकार से ये मानी वास्तविक जो है पहचान। तो वो हमें उस समझ के साथ जो है कैसे इस जगत में, इस कलयुग में हम भगवान की भक्ति के द्वारा जो है भगवान को प्रसन्न कर पाए, तो इसलिए आवश्यक है इस वर्णाश्रम धर्म को समझना और जितना आवश्यक हो सके उसके नियमों को पालन करना, क्योंकि पूरी तरह से तो इसको जो है तुरंत अभी स्थापित कर पाना, लोग इसको पालन को करें जो है इसके अनुसार जीवन ये बहुत कठिन है, क्योंकि पूरा विकृत हो चुका है कलयुग में, कोई जो है गुण और पर्व नहीं जान पा रहा, उसको नहीं समझ रहा है, इसलिए कठिन है। फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए जितना हम कर पाए, तो हमारे लिए सहयोग होगा, एक प्रकार से आसानी होगी भगवान को जानने के लिए, भगवान को समझने के लिए। ठीक, हरे कृष्ण। किसी का अगर प्रश्न है, जिज्ञासा है, आप पूछ सकते हैं। हाँ, हरे कृष्ण। भगवत गीता में कहा गया है कि आप सारी बातें श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं, जो भी कुछ मैं यहाँ सुन रहा हूँ ये सब लोग सुन रहे हैं, सब कृष्ण के लिए सुन रहे हैं। उसमें ये कहा गया है कि सिर्फ मेरा ग्रंथ ही सबसे अच्छा है, ऐसा क्यों कहा गया है? कृष्ण भगवान ने खुद ने ये कहा है सर, पहले अध्याय में ही कहा है ये कि लास्ट में मैंने पढ़ा हुआ है, लास्ट में कहा है कि ये ग्रंथ पढ़ने के बाद आपको कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, रामचरितमानस, महाभारत, अदर जितने भी है कोई भी नहीं। वहीं अगर कंपनी कहती है कि मैंने ये साबुन बनाया लक्स, कोई कहती लाइफ बॉय बनाया, मेरा साबुन अच्छा है, अगर ऐसा वो कहेंगे तो कौन लेगा? हमें पसंद आना चाहिए कि ये अच्छा है या नहीं। तो मैं बस इतना जानना चाहता हूँ उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि सिर्फ यही ग्रंथ क्यों सही है, कि इसे ही पढ़ो आप, इसके अलावा कोई ना पढ़ो। ऐसा तो सुनिए, उसमें ऐसा नहीं कहा है कि भगवत गीता है ही जो है सबसे ग्रंथ, भगवत गीता यही सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ वही है। मैं समझा रहा हूँ आपको, भगवत गीता कहेंगे प्रारंभिक है, भगवत गीता जो है भगवान को समझने के लिए प्रारंभिक स्तर है ना, आध्यात्मिक ज्ञान, हमें भगवान के बारे में ज्ञान जानना है तो भगवत गीता क्या है, प्रारंभ है। भगवत गीता में भगवान वर्णन करते हैं कि हम कौन है वास्तव में, है ना, हम क्या है, शरीर नहीं है जी, है ना, हम जीवात्मा है, देहिनो यस्मिन् यथा देहे कुमारम युगलम् जरा, ये वास्तव में भगवान जो है समझा रहे हैं। तो और भगवान अपने बारे में बता रहे हैं भगवत गीता में कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मेरे साथ क्या संबंध है जीवात्मा का, है ना। तो ये सब शुरुआत भगवत गीता से होगी, जब तक अगर हम भगवत गीता नहीं समझ रहे हैं तो भगवत गीता के बिना दूसरे शास्त्रों को, क्योंकि भगवत गीता क्या है, एक प्रकार से मूल है। जैसे कोई मकान अगर बना रहे हैं उसमें नींव अगर मजबूत नहीं है, ना नींव अगर नहीं है तो पूरा मकान तो क्या ढह जाएगा फिर। तो इसलिए भगवत गीता के बिना आप दूसरे शास्त्र अध्ययन भी करेंगे तो भगवान को नहीं समझ पाएंगे, उन आपको समझ नहीं होगी। इसलिए प्रारंभिक अवस्था होती है भगवत गीता, इसलिए भगवान समझा रहे कि एकम शास्त्रम देवी की पुत्र गीता, एक और शास्त्र देवी की पुत्र ये कि एकमात्र भगवान है, कौन है, देवी की पुत्र, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान एक ही है ना, भगवान बहुत सारे नहीं है, और एक शास्त्र भगवत गीता। वो इसलिए बता रहे क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में हमारे लिए आवश्यक भगवत गीता को जानना, इसके बाद इससे भी और आगे जो है शास्त्र श्रीमद् भागवतम है। तो भगवत गीता एक प्रकार से जैसे ग्रेजुएशन स्तर का आप जो है नॉलेज के लिए, है ना, और इसके आगे जो है भागवतम, वो वास्तव में और डिटेल में विस्तार से पोस्ट ग्रेजुएशन। भगवान भगवत गीता में बता रहे सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम, मेरे भी शरण लो, लेकिन वो शरणागति क्या है, ऐसे भगवान के शरण लेनी है,
वो वास्तव में भागवतम से शुरुआत होती है, तो वो भागवतम में वर्णन है। तो ऐसा नहीं कि दूसरे शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, भगवत गीता प्रारंभिक है, लेकिन उसके बाद वो जाना चाहते हैं कि हमें भागवतम का भी अध्ययन करना है और दूसरे शास्त्र उनका भी अध्ययन करना आवश्यक होगा। लेकिन भगवत गीता अगर नहीं पढ़ा हमने तो भगवत गीता के बिना कोई भी आप शास्त्र पढ़ लीजिए सब कुछ देगा, आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, भगवान के बारे में कुछ भी आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए प्रारंभिक अवस्था जो प्रारंभिक हमारी शुरुआत होगी वो क्या है, भगवत गीता से। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को डायरेक्ट जो है ग्रेजुएशन का हम ज्ञान देंगे, है ना, डायरेक्ट उसको जो है टेन थीटा फर्स्ट थीटा है ना ये बता दिया, उसको क्वेश्चन पहले एबीसीडी सिखाना होगा ना, तो इसलिए पहले भगवत गीता जो सब प्रारंभिक एबीसीडी ये शिक्षा लेगा तब तो उसको समझ पाएगा। तो इसलिए शुरुआत भगवत गीता से होगी हमें, और भगवान अगर नहीं बताएंगे तो कैसे जान पाएंगे। जैसे आपको जानना है नरेंद्र मोदी के बारे में कि उसकी दिनचर्या कैसी है, वो क्या करता है, कौन बताएगा आपको, कोई बताएगा, कौन बताएगा आपको, कैसे जानेंगे आप। मैं श्री कृष्ण में इसलिए हम हमारी योग्यता नहीं है कि हम जो है नरेंद्र मोदी के बारे में स्वयं जान पाए, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, है ना। तो इसलिए नरेंद्र मोदी खुद हमें बताए, या उनके जो विश्वस्त मंत्रीगण हैं जो उनके साथ दिन रात रहते हैं जो उनकी दिनचर्या को जानते हैं वो हमें बताए कि नरेंद्र मोदी जी ऐसा रहते हैं, उनकी ये पसंद है, इस प्रकार से कार्य करते हैं, तो हम जान पाएंगे। तो ऐसे ही भगवान के बारे में भगवान खुद जब तक हमें नहीं बताएंगे कैसे हम जान पाएंगे। इसलिए भगवान खुद बता रहे हैं मेरे बारे में जानना है तो ये भगवत गीता ये सर्वश्रेष्ठ है, ये पढ़ो, है ना, इसको जानो तो तुम मुझे जान पाओगे। या फिर उनके जो प्रमाणिक भक्त हैं, जो आचार्य हैं, जो परंपरा में भगवान ने जिनको ज्ञान दिया है वो जब हमें बताते हैं तब हम समझ पाएंगे। तो इसलिए आवश्यक है भगवान खुद, इसलिए भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, मेरी शरण आओ। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान तो अपना खुद का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। भगवान अगर बताएंगे नहीं तो कैसे हम जान पाएंगे कि जो है ये भगवान है, कैसे समझेंगे हम। तो पद्धति एकमात्र यही है कि भगवान बताए या फिर उनके जो है सेवक, उनके जो शुद्ध भक्त हैं वो हमें समझाए। हमारे पास योग्यता नहीं है कि हम जो है अपने बल से अपने प्रयास से हम समझ पाए उनके बारे में। तो इसलिए आवश्यकता है ये सब समझने की, जानने। और कुछ समझ में आया, कुछ जिज्ञासा है? चार वर्ण जो है भगवान ने बनाए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण जो है ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मण, तो ब्राह्मण भगवान को जानने में अपना पूरा जीवन समर्पित करेगा। क्षत्रिय जो है वो रक्षा करेगा प्रजा की, और ब्राह्मणों की सेवा करेगा।